नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ओल्ड पेपर्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें पिछली वीडियो हमने एआरओ का पेपर सॉल्व किया है और आज हम बात करेंगे पीवी के द्वारा कराए गए लेबर इंस्पेक्टर के पेपर की। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम पेपर के बारे में जान लेते हैं। तो यह पेपर पीएवी ने सन 2017 में 6 दिन और 12 शिफ्टों में कराया था। इस पेपर में कुल 200 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर कुल 8 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहते हैं और हम बात करेंगे उनमें से एक सब्जेक्ट कंप्यूटर की, जिसके 25 क्वेश्चन की डिस्कशन आज हम कर लेंगे। अगले पेपर हम कुछ अगले के दिनों में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, एमएस वर्ड 2007 में कंट्रोल प्लस जी, अब खाली स्थान है, अब खाली स्थान में भरा गया जाएगा। गो टू टैब को एक्टिवेट करते हुए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। बी, गो टू टैब को एक्टिवेट करते हुए पे सेटअप बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। गो टू टैब को एक्टिवेट करते हुए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, और फिर ऑल ऑफ एबव, मतलब उपरोक्त सभी। अब हम सभी जानते हैं कि भाई कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए, तो गो टू टैब के लिए तो होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ये तो तीन ऑप्शन में दे रखे हैं। अब जब हम कंट्रोल प्लस जी कर लेते हैं तो होगा क्या आगे। तो ये अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर में एमएस वर्ड पे काम किया होगा तो इस बात को बहुत अच्छे से पता होगी कि जब भी हम कंट्रोल प्लस जी करते हैं, गो टू टैब खोलते हैं, तो वहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स होता है वो डायलॉग बॉक्स होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो देख लेते हैं ये बात कहाँ की गई है। तो ये बात की गई हमारे ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए, अब क्या बोला गया है, एंड नोट तथा फुट नोट के मध्य क्या अंतर होता है। दोनों समान होते हैं। एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में अपेंडिक्स होता है, फुट नोट पेज की तली में स्थित पेज नंबर, चैप्टर का नाम तथा स्थिति इत्यादि होता है। सी, एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित नोट्स की सीरीज होते हैं, फुट नोट पेज की तली में स्थित नोट्स की सीरीज होते हैं, और नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंड नोट और फुट नोट के बारे में बात की जाए तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो दोनों समान तो कतई नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। अब एंड नोट होता क्या है। तो एंड नोट का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा गया नोट और वहीं पर पेज के अंत में लिखा गया नोट, जो पेज में किसी लाइन, किसी शब्द या किसी पैराग्राफ की व्याख्या करता है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करता है, उसको समझाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फुट नोट कहते हैं। अब ये बात कहाँ की गई है, तो यह बात की गई है एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में, तब फुट नोट पेज की तली में स्थित नोट, तो दोनों में यही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बी में क्या लिखा हुआ, फुट नोट पेज की तली में स्थित पेज नंबर, चैप्टर का नाम इत्यादि होता है। भाई पेज के अंत में ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फुट नोट नहीं होती, वो होती हैं फुटर। तो आपको क्या याद रखना है कि फुट नोट पेज के अंत में होता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। और यदि आपके पेज नंबर, चैप्टर का नाम, डेट एंड टाइम के बारे में बात की जा रही है तो ये चीज़ क्या होगी, वो फुटर होगा, वो फुट नोट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्या बोला गया है, कंप्यूटर जागरण में www मतलब चार बार w किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये एक फुल फॉर्म है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म का इसका पूरा फुल फॉर्म है, जो आप याद रखेंगे और आराम से कर पाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, HDLC का संक्षिप्त अर्थ है, मतलब HDLC का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम डेटा लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डोमेन लिंक कंट्रोल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो HDLC का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब ऑप्शन बी। अब ये है क्या, तो HDLC का मतलब हो जाएगा, मतलब जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट से लेकर सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने के बीच की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, तो उन प्रक्रियाओं को मतलब कौन सी प्रक्रिया कब और कैसे की जाएगी, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, HDLC कहा जाता है। मतलब अगर हम समझें तो एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को कंसेप्ट से लेकर सॉफ्टवेयर लॉन्च होने तक की सभी प्रक्रियाओं का जिक्र रहता है, उस फ्रेमवर्क को ही हम क्या कहते हैं, HDLC कहते हैं। बहुत सारी जगह पर HDLC को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस भी कहा गया है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करने से पहले उसका क्या करते हैं, एक HDLC फ्रेमवर्क बना लेते हैं, जिससे क्या हो, उन्हें पता रहे कि कब कौन सा काम किस तरह से किया जाना है। तो यहाँ आंसर हमने सिर्फ फुल फॉर्म लगाना है, तो जो हमने लगा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला गया है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग बताना है। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, मतलब कहीं ना कहीं जो बात की गई वो लेफ्ट, मतलब बाईं ओर के बारे में बात की गई होगी। ऑप्शन देखते हैं, कर्सर को लाइन के आरंभ में पहुंचाने के लिए, नहीं भाई नहीं करते, कर्सर को एक शब्द बाईं ओर पहुंचाने के लिए। तो हम जानते हैं कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर्सर को बाईं ओर पहुंचाने के लिए करते हैं, और वो भी कैसे, एक शब्द बाईं ओर, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो चलिए दोस्तों, अगला देखेंगे हम।
चलिए अब क्या बोला गया है कि एम एस डॉस, लाइनक्स तथा यूनिक्स में कमांड हु एम आई आपके स्क्रीन पर क्या प्रिंट करती है। आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस प्रिंट करेगी, लॉग इन किए हुए समस्त प्रयोगताओं की यूज़र आईडी प्रिंट करता है, लॉग इन किए हुए प्रयोगताओं की प्रभावी यूज़र आईडी प्रिंट करता है और ऐसी कोई कमांड नहीं है। तो पहली बात, आपकी हु एम आई बहुत फेमस कमांड जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आ चुकी है और इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज़र की पहचान करने के लिए। मतलब सिस्टम में वर्तमान में कौन सा यूज़र वर्क कर रहा है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, इसकी पहचान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हु एम आई कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये होता कैसे है, तो जब भी आप हु एम आई कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके यूज़र में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो यूज़र आईडी होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ किससे हो रही है, ये चीज़ किस में बताई गई है, ये बताई गई है हमारा ऑप्शन सी में। क्या बोला हुआ है, लॉग इन किए हुए प्रयोगताओं प्रभावी यूज़र आईडी प्रिंट करता है। मतलब जितने लोग वर्क कर रहे हैं केवल उतने ही, जितने सिस्टम में यूज़र्स हैं उन सभी की आईडी प्रिंट नहीं करेगा, केवल उन्हीं की आईडी प्रिंट करेगा, उन्हीं की आईडी शो करेगा जो वर्तमान में वर्क कर रहे हैं। इसलिए आंसर सी हुआ, ना कि बी। तो अगला क्वेश्चन देखें अब हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या बोला गया है, लाइनक्स में वी आई एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। अपर केस आर और लोअर केस आर। पहली बात, तो वी आई एडिटर क्या एक टेक्स्ट एडिटर है। मतलब जब भी आप लाइनक्स यूनिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी फाइल को एडिट कर पाते हैं। अब यहाँ एडिटिंग में सब कुछ शामिल है, नाम बदलना, फ़ॉन्ट बदलना या फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना, तो अलग अलग तरह की यहाँ कमांड दे रखी हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है, तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या, टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित, मतलब रिप्लेस करना है। टेक्स्ट को हम रिप्लेस करना चाहते हैं लेकिन कहाँ से, दाईं ओर से। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि दाईं ओर से लेकर पूरे के पूरे टेक्स्ट को हम क्या करना चाहते हैं, ओवरराइट करना चाहते हैं, ठीक, मतलब और रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रिप्लेस की कौन सी कमांड होती है, तो रिप्लेस कमांड कैपिटल आर बी और स्मॉल आर बी है। अब वही बात हो जाती है कि दो दो आंसर तो हो नहीं सकते, या तो आंसर बी सी होगा या फिर आंसर डी होगा। अब हम और क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कर्सर को दाईं ओर से प्रतिस्थापित करना है। क्या बोला गया है, कर्सर को दाईं ओर से प्रतिस्थापित करना। अगर केवल प्रतिस्थापित करना होता तो हमारे दोनों आंसर होते, लेकिन दाईं ओर से बोला हुआ है मतलब मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, मल्टीपल जगह पर हम रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा कैपिटल आर, ना कि स्मॉल आर। स्मॉल आर आंसर कब होता है, जब केवल रिप्लेस करने के बारे में बात की गई होती है, जबकि यहाँ पर बात की गई है दाईं ओर से रिप्लेस करने की, मतलब मल्टीपल बहुत सारी जगह पर राइट से लेकर पूरे पूरे टेक्स्ट हम चेंज करना चाहते हैं, ओवरराइट करना चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी कैपिटल आर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, HTML के बैकग्राउंड में के रूप में ब्लैक रंग को सेट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अब आप चार ऑप्शंस देख लीजिए। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, HTML है पेज के बैकग्राउंड के रंग के बारे में, कि जब भी HTML में किसी भी हम रंग का इस्तेमाल करते हैं तो उस रंग के लिए हम हेक्स कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं, और हेक्स कलर कोड में कुल कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं हैशटैग के अलावा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 डिजिट नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में 6 डिजिट नहीं है, तो मतलब आंसर डी तो नहीं होगा, या तो आंसर ए है या फिर बी है या फिर सी है। अगली बात क्या की गई है कि बैकग्राउंड के बारे में बात की गई, ध्यान देना आपने किसके बारे में बात की गई है, ये जो लिखा हुआ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड के लिए HTML वर्ड इस्तेमाल जो किया जाता है वो होता है बी जी। क्या इस्तेमाल करते हैं हम, बी और जी, बी मतलब बैक, जी मतलब ग्राउंड, तो बी जी कहाँ दे रखा है, तो बी जी दे रखा है कहाँ पर हमारा, ये देखिए आप, ये रखा है बी जी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर, और कहीं पर बी जी कलर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब रंग कैसे होते हैं, तो यहाँ पर जो 6 डिजिट हैं इनमें से दो डिजिट शुरुआत के, दो डिजिट रेड की इंटेंसिटी को, बीच के दो डिजिट ग्रीन की इंटेंसिटी को, और लास्ट के दो डिजिट ब्लू की इंटेंसिटी को दिखाते हैं। ये रंग कहलाता तो सबकी वैल्यू क्या थी, 0 0 0 थी, तो आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम, चलिए अब क्या बोला गया है, एम एस डॉस में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ट्री, लिस्ट, सब डायरेक्ट और सब ट्री। तो क्या बोला गया है, ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि किसी फाइल की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर फाइलों को किस तरह से अरेंज किया गया है, मतलब किसी भी ड्राइव में फाइलों को किस स्ट्रक्चर से अरेंज किया गया है, उसको देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी ड्राइव में फाइलों के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम ट्री कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ट्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए अब क्या बोला गया है, एम एस वर्ड 2007 में आपको निम्न में से क्या एक टॉपिक के टेक्स्ट को अन्य टॉपिक या फिर बुकमार्क से कनेक्ट करते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के अन्य भागों से लिंक करने की सुविधा देता है। हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट। तो क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपके समझ में आएगा कि बुकमार्क करते हुए एक ही डॉक्यूमेंट के अन्य भागों से लिंक करना, एक ही डॉक्यूमेंट से अन्य भागों से लिंक करने की सुविधा, मतलब एक ऐसा फीचर जहां पर आप क्या कर पाओगे कि एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट के एक भाग को डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग से आप क्या कर रहे हो, लिंक करा रहे हो। और यह चीज़ मिलती है हमारी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलती है, हमारी क्रॉस रेफरेंस में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्रॉस
रेफरेंस, जबकि हाइपरलिंक क्या करेगा आपको किसी अन्य डॉक्यूमेंट से जोड़ देगा। इंडेक्स क्या करेगा कीवर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट में डॉक्यूमेंट की महत्वपूर्ण टॉपिकों की सूची होती है। जबकि क्रॉस रेफरेंस क्या करेगा आपके डॉक्यूमेंट के एक पार्ट को किसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे पार्ट से लिंक करा देगा। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। चलिए अब क्या बोला गया है, निम्न में से क्या राउटर फंक्शंस का वर्णन करता है, मतलब राउटर का कौन कौन सा फंक्शन है, पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेट कम्युनिकेशन और उपरोक्त सभी। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो जो मैंने नेटवर्किंग के ऊपर बना रखे हैं अगर आपने मुझे देखे हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हो। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी यहाँ रुकिए और आई बटन पर क्लिक कीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं मेरे सारे सारे नेटवर्किंग की वीडियो देख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्या है राउटर का फंक्शन क्या है, तो पैकेट आपके डाटा पैकेट से स्विचिंग करना, फिल्टरिंग करना और कम्युनिकेशन करना, ये सारे के सारे क्या है हमारे राउटर के वर्क है। तो आंसर क्या है हमारा ए आंसर भी सही है, बी आंसर भी सही है और सी आंसर भी सही है। इसका मतलब क्या है ऑल ऑफ दिस पर हम टिक लगाकर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक अब क्या बोला गया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब NIC के संबंध में 10/100 का संबंध निम्न से होता है। तो अब क्या बोला गया है 10/100 का संबंध किससे, प्रोटोकॉल स्पीड। तो पूरी की पूरी नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल स्पीड नामक कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार फाइबर स्पीड नाम का कोई भी टर्म इस्तेमाल नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अच्छा क्या मेगाबाइट्स प्रति सेकेंड और न्यूनतम तथा अधिकतम सर्वर स्पीड, तो आंसर सी हो सकता है और डी हो सकता है। तो अब किसी भी सर्वर की जो स्पीड होती है वो अकेली आपके NIC कार्ड पर डिपेंड नहीं करती, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगी। आपके डेंसिटी की आपकी यूज़र डेंसिटी कितनी है, आपका कौन सा मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप किस टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके नेट किसी भी सर्वर की न्यूनतम और अधिकतम स्पीड को बताती हैं। तो ये चीज़ भी इसको आपकी आपके 10/100 से नहीं बतानी पड़ेगी। तो ये क्या होगा मेगाबाइट्स प्रति सेकंड, तो ये बताती है कि जो NIC कार्ड आपने लगाया हुआ है ये है 10 से लेकर 100 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड की स्पीड देने में सक्षम है। तो आंसर हमने क्या लगाया सी। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पैसिव कमांड डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को क्या प्रदान करती हैं, इंटरफेस को पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट्स प्रेषित करने या फिर प्राप्त करने से रोकती हैं, इंटरफेस को पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट प्रेषित करने से रोकती हैं लेकिन प्राप्त करने से नहीं, राउटर को कोई भी डायनेमिक अपडेट प्राप्त करने से रोकती हैं और राउटर को कोई भी डायनेमिक अपडेट प्रेषित करने से रोकती हैं। तो पहली बात हम समझ लेते हैं कि भाई डायनेमिक राउटिंग से हमारा क्या मतलब है। तो डायनेमिक राउटिंग का मतलब होगा क्या, तो डायनेमिक राउटिंग का मतलब हो जाता है एक ऐसा फीचर या फिर राउटिंग की एक ऐसी तकनीक जिसमें यदि हम हमारे नेटवर्क में क्या हो फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस भी करते हैं तो उसके बावजूद भी हम शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट कर पाएँ। अर्थात हम क्या करते हैं, हम हमारे नेटवर्क में क्या करते हैं रियल टाइम लॉजिक क्या करते हैं, अगर हमारे नेटवर्क में क्या है किसी प्रकार के फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा है, हमारा नेटवर्क लेआउट बदल रहा है, उसके बावजूद भी हम शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट कर पाएँ, तो यह फीचर हमें कहाँ मिलता है, यह मिलता है डायनेमिक राउटिंग में। और डायनेमिक राउटिंग का एक बहुत और फीचर एक्स्ट्रा है, वो क्या होता है कि डायनेमिक राउटिंग अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका राउटर अन्य राउटर्स को आपके सिस्टम की एड्रेस को आपके सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति दे देता है, जिससे क्या हो आप दूसरे रास्तों का भी क्या कर सकें इस्तेमाल कर पाएँ, आप दूसरे रास्तों का भी क्या कर पाएंगे यूज़ कर पाएंगे और शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने में हमें थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी। अब बात आती है कि यहाँ पर पैसिव कमांड का क्या रोल है, तो पैसिव कमांड का जब भी इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग में तो यह क्या कर देती हैं, ये हमारे सिस्टम में क्या कर देंगे इनकमिंग और आउटगोइंग अपडेट्स को रोक देती हैं, मतलब ना तो अपडेट्स आएंगी ना ही अपडेट्स सेंड की जाएंगी ना ही रिसीव की जाएंगी, तो दोनों तरह की जो अपडेट्स हैं वो क्यों हो जाएंगी हमारी ब्लॉक हो जाएंगी। लेकिन जब इनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं डायनेमिक राउटिंग के साथ करते हैं तो होगा क्या, डायनेमिक राउटिंग का इस्तेमाल करने पर क्या होगा कि आपकी जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स क्या होंगी केवल भेजने से रोकी जाएंगी लेकिन रिसीव करने से रोकने की कोई रिसीव करने से रोकी नहीं जाएंगी। तो हम क्या देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे इंटरफेस को पीरियडिक डायनेमिक अपडेट करने प्रेषित करने से रोकती है, मतलब भेजने से तो रोकेंगी लेकिन प्राप्त करने से नहीं रोक पाएंगे। तो ये बात कहाँ की गई है, तो यह बात की गई हमारे ऑप्शन बी में। तो आंसर हमने क्या लगाया बी लगाया। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला, निम्न में से क्या स्लाइड शो प्रोग्राम नहीं है, मतलब स्लाइड शो के लिए कौन सा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, तो MS पावर पॉइंट तो स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, कीनोट गूगल के द्वारा बनाया गया था और इस्तेमाल में लाया जाता है, गूगल स्लाइड गूगल के द्वारा बनाया और इस्तेमाल में लाया जाता है, तो सफारी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमने क्या लगाया सफारी, क्योंकि सफारी क्या हमारा ब्राउज़र है जिसके बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में बात की थी, और मेरी पिछली वीडियो की लिंक आपको पता है कहाँ मिलेंगी, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आपको आई बटन पर मिलेंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। HTML का उपयोग डैश क्रिएट करने के लिए किया जाता है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्राम, वेब पेज और वेब सर्वर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है HTML का उपयोग, तो हम सभी जानते हैं कि HTML का उपयोग वेब पेजेस के लिए करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी वेब पेजेस।
अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। लाइनेक्स में फाइल चैप्टर 01, चैप्टर 02 तक तथा चैप्टर 04 को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ इंपॉर्टेंट सूचीबद्ध मतलब लिस्ट करना, तो लिस्ट करने के लिए हम ls कमांड का इस्तेमाल करते हैं और ls के बारे में बात ए बी सी डी तीनों में की गई है। अब क्या है हमें स्पेसिफिक फाइल मतलब चैप्टर 01, चैप्टर 02, चैप्टर 04 करनी है। अब यहाँ हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे। तो पहले हम क्या चैप ls चैप स्ट्रिक्ट मतलब चैप से शुरू होने वाली सारी सारी फाइलें हैं चाहे वो कोई सी भी 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो सारी सारी लिस्ट हो जाएंगी। अगली कौन सी है ls चैप 124 मतलब लिस्ट करनी है चैप 124 नामक फाइल। इससे क्या होगा क्या सिर्फ 124 नामक फाइल ही क्या होगी लिस्ट होगी, 1 2 और 3 या 4 फाइलें लिस्ट नहीं होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी। वहीं पर हम क्या कर देंगे सी और डी से क्या होगा आपकी चैप 01 चैप 02 चैप 04 चारों ही फाइलें क्या होने वाली हैं लिस्ट होने वाली हैं। तो आंसर हमने क्या लगाया बी लगा दिया क्योंकि इससे क्या होगा केवल 124 नामक फाइल ही क्या होगी लिस्ट होगी बाकी दूसरी फाइलें लिस्ट नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। MS Excel 2007 में विंडो में किस एरिया में वैल्यूज और फार्मूला एंटर किए जाते हैं? क्या बोला वैल्यू और फार्मूला एंटर करने टाइटल बार में, मेनू बार में, फार्मूला बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में। तो हम सभी जानते हैं कि वैल्यूज और फार्मूला हमेशा फार्मूला बार में ही इंसर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ से हमने लगाया सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है अब क्या बोला ईमेल सर्वर क्या होता है? यह वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की आपके कंप्यूटर पर रिक्वेस्टिंग ट्रैवर्सिंग और प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो पहली बात तो यह कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं होता तो इसका आंसर ए नहीं है। अगला क्या है यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो HTTP पर की जाने वाली वेब रिक्वेस्ट के प्रति उत्तर में वेब पेज डिलीवर करता है। तो हमारे ईमेल सर्वर का काम कभी वेब पेजेस को डिलीवर करना नहीं होता तो आंसर हमारा बी भी नहीं होगा। अब क्या देखें सी ये ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस होता तो ये बात बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि यहाँ से हम ईमेल भेज भी सकते हैं रिसीव भी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं क्योंकि सी तो हम लगा ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है निम्न में से कौन सा विवरण मेन फ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है? तो पहली बात यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में बात की गई तो हम सुन लेते हैं क्या परिभाषा होती है। तो ऐसे कंप्यूटर जिन्हें किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और जो कि क्या होते हैं मल्टी यूज़र होते हैं जो कि मल्टी यूज़र होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं लेकिन ये मल्टी टास्किंग नहीं होती और इनका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो समझ में ये विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाएंगे आकार में बड़े होंगे और मल्टी प्रोसेसिंग होंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या रखा है। यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों में क्रिटिकल एप्लीकेशन के प्रयोजन के लिए लगाया जाता है जिसमें भारी डाटा में डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। दो यह सर्वाधिक तेज कंप्यूटर जो निश्चित समय पर उपलब्ध होता है यह बहुत महंगे होते हैं तथा भारी स्तर पर की जाने वाली गणितीय गणनाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। सी यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो डाटा प्राप्त करने उसे प्रोसेस करने तथा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पर्याप्त तेजी के साथ परिणाम प्रदान करने के माहौल को नियंत्रित करता है। और नंबर चार उपरोक्त सभी। अब यहाँ क्या होगा तो पहली बात अगर हम देखें तो बी में क्या बोला यह सर्वाधिक तेज कंप्यूटर नहीं जो कि गलत है क्योंकि ये सबसे तेज कंप्यूटर नहीं हो सकते सुपर कंप्यूटर होते हैं। दूसरी बात क्या है सी देखते हैं यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो डेटा प्राप्त करने उसे प्रोसेस करने तथा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पर्याप्त तेजी से परिणाम प्रदान करने माहौल को नियंत्रित करता है। ये कुछ हद तक सही है लेकिन ये प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा क्योंकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं जिसके बारे में हमें यहाँ बात की गई है। यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों में क्रिटिकल एप्लीकेशन ध्यान दीजिए क्या बोला गया है क्रिटिकल एप्लीकेशन के प्रयोजन के लिए लगाया जाता है मतलब विशेष कार्य करने के लिए लगाया जाता है। तो आंसर हम क्या लगाएंगे ये आंसर लगा देंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें हम। ये आप यह पता लगाना चाहते हैं कि विंडो एंटी सर्वर कंप्यूटर पर इस समय कौन से प्रयुक्त विशिष्ट डायरेक्टरी का उपयोग कर रहे हैं? आप ऐसा करेंगे विंडो एंटी एक्सप्लोरर के द्वारा, डिस्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, सर्वर मैनेजर के द्वारा और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है यूज़र मैनेजर के द्वारा। अब क्या है विंडो एंटी क्या है विंडो एंटी हमारा नेटवर्किंग के लिए बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पर एक क्या होता है यहाँ एक ऑप्शन होता है सर्वर मैनेजर मतलब जो इस बात को देखता है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन से यूज़र क्या क्या इस्तेमाल मतलब कौन कौन से यूज़र कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा कौन कौन सी फाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे यहाँ हम देखेंगे क्या सर्वर मैनेजर। तो आंसर हम क्या लगाएंगे सी सर्वर मैनेजर आंसर लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी प्रोटोकॉल का उपयोग डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए किया जाता है TCP ARP ICMP और BOOTP। तो पहली बात क्या बोला गया है किस प्रोटोकॉल का उपयोग डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संदेश क्या बोला गया है डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संदेश
डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए, मतलब कोई एरर मैसेज है और एरर मैसेज को वापस भेजने का काम हमारा किया जाता है ICMP के द्वारा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। मतलब अगर हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी और वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती तो दोबारा से जो एरर मैसेज आते हैं उन एरर मैसेज को भेजने का काम हमारे ICMP के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ हम जो आंसर लगाने वाले हैं वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ICMP। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS Word 2007 की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ पा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के दाईं ओर, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के दाईं ओर, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के दाईं ओर, वर्टिकल स्क्रॉल बार के शीर्ष पर और वर्टिकल स्क्रॉल बार की तली पर। तो पहली बात, अब क्या बोला गया है कि हम स्प्लिट बार के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो स्प्लिट बार होता है वो कहाँ पर होता है, ये हमेशा दिखाई देगा कहाँ पर है, वर्टिकल स्क्रॉल बार पर, और वर्टिकल स्क्रॉल बार पर भी कहाँ पर, वो भी कहाँ पर होगा आपके शीर्ष पर। तो यहाँ पर हम क्या लगेंगे, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेमोरी बफर रजिस्टर MBR है एक हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है जो कार्यान्वित हो रहे वर्तमान निर्देशन की लोकेशन को निर्दिष्ट करता है, मतलब वर्तमान में हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी एड्रेस को स्टोर करने का MBR के द्वारा किया जाता है, नहीं तो यह काम कौन करता है, तो वर्तमान निर्देश की लोकेशन को निर्दिष्ट करने का काम हमारा कौन करेगा, ये हमारा करेगा एक रजिस्टर होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, किसम CIR भी कह देते हैं, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का ग्रुप होता है जो मेमोरी से आने वाले उन मुख्य निर्देशों का अनुपालन करता है, इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म द इंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम मेमोरी, मतलब मेमोरी से प्राप्त निर्देशों को करेगा, नहीं वो भी नहीं करेगा, तो इसका आंसर बी भी नहीं होगा। फिर क्या है, मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है जिसे पढ़ा जाना होता है, उसमें स्टोर किया जाना होता है, तो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस तो MR स्टोर करता है, तो आंसर सी भी नहीं होगा। मतलब हमने क्या देखा, ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा और सी आंसर नहीं होगा। तो होता क्या है, तो MBR का मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, मतलब एक ऐसी मेमोरी जो किसके बीच में काम करती है, मेमोरी और CPU के बीच में काम करती है, मतलब जब भी मेमोरी कोई डाटा भेजता है तो वो कहाँ, या फिर CPU क्या करेगा, मेमोरी को भेज, तो बीच में इंटरमीडिएट के तौर पर डाटा कहाँ स्टोर रहेगा, बफर में स्टोर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या डी किस तरह से हुआ देख लेते हैं, तो MBR में होगा क्या, तो MBR मैंने जैसे आपको थोड़ा देर पहले ही बताया हुआ है कि ये इंटरमीडिएट मेमोरी की तरह काम करती है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, MBR में MAR द्वारा रीड के बाद या फिर मेमोरी के नए कंटेंट राइट से पहले निर्दिष्ट डिजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन की कॉपी होती है, जो वही वाली बात की गई, तो आंसर हमने डी लगाई हुआ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है। हाँ, अब क्या बोला गया है कि MS Excel 2007 में रो तथा कॉलम टाइल्स को स्थान पर रोकने के लिए, जिससे वे मार्कशीट को, जिससे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किस पर क्लिक करना होगा, व्यू टैब के अनफ्रीज पेन कमांड पर, व्यू टैब के फ्रीज पेन कमांड पर, व्यू टैब के हाइड कमांड पर, व्यू टैब के स्प्लिट कमांड पर। तो जब भी रो तथा कॉलम को हमें अपने स्थान पर रोकना होता है तो उसके लिए हम फ्रीज करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, जो ऑप्शन वन में ही है, जो ऑप्शन बी में है, तो आंसर हम लगा देंगे बी। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो क्या है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि MS PowerPoint 2010 टेम्पलेट फाइल का विस्तार क्या है, तो जब भी MS PowerPoint टेम्पलेट फाइल के बारे में बात की जाए तो आंसर होगा .pot, और अगर 2007 के बाद का वर्जन है तो .potx, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। और इस तरह से ये हो जाते हैं हमारे इस पेपर के सारे सारे क्वेश्चन समाप्त हैं। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको इसमें कोई कमी लगती हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं क्या हो अगली वीडियोस में इन कमियों को दूर कर पाऊँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।